किस टेम्परेचर पे होगा, ए बाय आर बी। ये टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में जेड इक्वल्स टू 1 हो जाए, वो क्या था, कॉइल्स टेम्परेचर। तो ये कॉइल्स टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे तीन वैल्यूज आ रही थी मेरी वॉल्यूम की इस नॉन आइडियल इक्वेशन के लिए, और उसी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम पे क्या है, वी मोलर माइनस वी क्रिटिकल क्यू इज यूज इक्वेशन। इसका यूटिलिटी क्या है कि किसी भी टाउ पे ये अपन ने जेड एंड टी का जो बनाया था पहले, देखा था हर गैस के लिए अलग अलग चीजें आ रही थी, किसी के लिए ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, किसी के लिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये हर गैस के लिए अलग अलग आ रहा था, अलग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अलग अलग आता। यहाँ पे क्या है, अगर अपन जेड एंड रिड्यूस प्रेशर, तो अपन बात करते हैं अब कि नॉन आइडियल चीजें कब आई थी, क्योंकि इनमें क्या हो रहा था कि अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। अब अट्रैक्शन है, उसकी वजह से क्या हुआ, एक वॉल्यूम के अंदर करेक्शन आया, मैं बताती हूँ, और एक प्रेशर में करेक्शन आया। देखो आइडियली अपन ने क्या माना था, मतलब सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने क्या माना था कि मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है, एक तो अट्रैक्शन जीरो माना था, ठीक है। और हर मॉलिक्यूल ऑल टाइम पे काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, मतलब कि वो रुक ही नहीं रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी थी, ठीक है, हर टाइम पर। और अपन ने क्या माना था कि इसके अंदर अपना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कहती है कि मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि इस पे ग्रेविटी का अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑल टाइम मूव करते हैं और ये बहुत नेग्लिजिबली बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, तो अपन वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या मान सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये असम्पशंस की थे आइडियली, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में क्या होता है, ये अपने मॉलिक्यूल्स थोड़े से बड़े होते हैं, सारे सेम ही है, ठीक है ना, मतलब साइज के मतलब, ठीक है। तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना, वो एंटायरली वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नहीं है, उससे थोड़ा कम है, ठीक है। तो जो आइडियली जो अपने वॉल्यूम बनती है उसमें से कुछ कम है, कुछ क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब एक्सक्लूड किसको करें, एक्सक्लूड किसको करेंगे, सीधी सी बात है, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है आप इसको एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इनको नहीं करना है अपन को, समझ रहे हो, जैसे कि अगर अपन एक पेयर की बात करें, ये मेरा एक गैस मॉलिक्यूल है, अगर ये दूसरे से कोलाइड कर रहा है, विच इज आर रेडियस एंड आर रेडियस, ठीक है, तो टू आर रेडियस, तो इतने दायरे में कोई और इससे नहीं मिलेगा, समझ रहे, ये जो दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं इतना तो है ही। तो अगर मैं एक पेयर की बात करूं तो 4/3 πr³, इतना वॉल्यूम मेरा एक्सक्लूडेड है, ठीक है, पर पेयर की बात कर रही हूं अभी मैं, ठीक है। इसको आगे लो, 8 × 4/3 πr³, ये क्या है, वी नॉट, मतलब एक इंडिविजुअल की है ना, ये तो मैंने एक पेयर की बात की थी, मतलब दो को लेते। अगर मैं पर मॉलिक्यूल बात करूं, पर मॉलिक्यूल ये क्या है, पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, पर पेयर, ये पेयर पर पेयर की बात की थी, तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगी इसी को, तो ये बन जाएगा मेरा 4 × 4/3 πr³, ठीक है, ये क्या है, वी नॉट, मतलब इस स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। अब ये तो क्या है, एक मॉलिक्यूल की बात है, अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए तो ये मेरा हो जाएगा 4 × 4/3 πr³ विच इज इक्वल्स टू बी, और जब मैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी तो एन इंटू बी। बी क्या है, अब देखो जितना ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ये एक रिपल्सिव फैक्टर को बता रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा आर बढ़ेगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ दिस, जैसे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा या फिर रेडियस ऑफ गैस बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये बी फैक्टर रिपल्सिव फैक्टर बढ़ेगा। रिपल्सिव फैक्टर का मतलब है कि जितना ज्यादा ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, दूर भागेंगे, उतना वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी उतना वॉल्यूम ऑफ द गैस कम होगा। बी क्या है, एक रिपल्सिव फैक्टर है, जितना ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा रिपल्सिव फैक्टर होगा। रिपल्सिव फैक्टर का मतलब है जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और जितना ज्यादा अपन रेडियस बढ़ाएंगे वॉल्यूम, जितना ज्यादा ऐसे ऑक्यूपेंस ज्यादा होगी उतना ही अपना बी फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, नाउ फॉर वंडरवॉल गैसेस, वंडरवॉल गैस मतलब जिसके अंदर कुछ अट्रैक्शन है, ठीक, जैसे वंडरवॉल फोर्सेस अपन जो बात करते हैं, इसके लिए वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम वी नॉट माइनस एन इंटू बी। बी आप बता चुके हो, दिस इज रिपल्सिव फैक्टर। प्रेशर करेक्शन क्या है, अपन ने क्या माना था कि एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड कर रहा है वो उसका एक्चुअल प्रेशर है, अपन ने बैरोमीटर लगा दिया है, बट ऐसा होता नहीं,
मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। सपोज कर लो ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जब इस प्रेशर इसके वॉल पे जाने के लगेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब कुछ प्रेशर जो एक्चुअली होना चाहिए था उससे कम लगा पा रही है, क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ एक रिपल्स, एक मतलब अपोजिंग फैक्टर वर्क कर रहा है, राइट। एक वॉल है, एक वहां पे ये जो मॉलिक्यूल है उसको पंच करना है, ठीक है। जितना जोर से वो कर सकता था उससे कम कर पा रहा है क्योंकि पीछे की तरफ एक अट्रैक्शन है जो उसको खींच रहा है, ठीक है। तो अपना क्या होना चाहिए, जो प्रेशर करेक्शन है, जो पी आइडियली आप जो यूज कर रहे थे ना उससे थोड़ा ज्यादा है एक्चुअली, समझ रहे हो? ओके, इसमें क्या, जो अपन को आइडियली मिल रहा है प्रेशर, ये जो प्रेशर अपन को मिल रहा है पी नॉट, उससे थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अब देखो जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन होगा उतना ही थोड़ा अपन यहाँ पे बढ़ा देंगे, तब जाके अपना एक्यूरेट प्रेशर आना चाहिए। दिस इज प्रेशर करेक्शन, ठीक है। ये अपना वॉल्यूम करेक्शन था, ठीक है, कि जितनी वॉल्यूम है उससे थोड़ी कम अपने पास एक्चुअली वॉल्यूम है। और कम क्यों है? क्योंकि वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने गैस मॉलिक्यूल्स। ऐसे प्रेशर थोड़ा ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स है आप इसको हटा के बात करो ना, ठीक है। तो हटाना कितना है? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितनी ए की डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ ए एंड डेंसिटी ऑफ बी, अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा? अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ ए एंड डेंसिटी ऑफ बी। अगर ये सेम ही गैसेस है तो डेंसिटी ऑफ ए का स्क्वायर कर दो। डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और ये है कितने, डेंसिटी होती क्या है वैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन अपॉन वी, तो इट शुड बी एन अपॉन वी, ठीक है। और जब ये हटाएंगे अपन तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये क्या है? अट्रैक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम कम होगा। तो ये अट्रैक्शन का सिंबल है, ये अपना बी क्या है, रिपल्सिव फैक्टर को शो कर रहा है। तो ये अपना करेक्शन। अब क्या है अपना, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये अपनी एक्चुअल इक्वेशन थी PV equals to nRT, अब ये क्या बन गई है, यहां पे बात कर लेते हैं। प्रेशर ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर वी माइनस एन पी विच इज इक्वल्स टू आर टी nRT। तो ये अपनी क्या है, वंडरफुल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं रख कर लेती हूँ, अपन बात करते हैं अपन नॉन आइडियल इक्वेशंस की, ठीक है। ये अपने देख ही लिया था ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर वी माइनस एन पी आर टी एन आर टी, ठीक है। ये प्रेशर करेक्शन हो गया, वॉल्यूम करेक्शन हो गया। अब देखो इसको एक बार अपन थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करो, वी माइनस एन पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर पी माइनस एन पी विच इज इक्वल टू एन आर। एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन, नंबर ऑफ मोल्स अपन वन ले लेते हैं, ठीक है। तो पी वी माइनस पी वी प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस ए बी बाय वी स्क्वायर आर टी। ए और बी दोनों ही बहुत छोटे टर्म्स होते हैं, ठीक है। आइडियली इनकी जो वैल्यूज है बहुत कम होती है, तो अपन ने इस टर्म को नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आरटी को उधर लिया, पीवी बाय आरटी, ठीक है। 1 प्लस पी बी, अपन आर टी को बाहर ले लेते हैं, ठीक है।
वन अपॉन आर टी पी बी प्लस ए बाय पी, ठीक है इतना हो गया। ठीक है वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आर टी बाय पी, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख रही हूँ आर टी बाय पी, ठीक है। और यहां से अपन प्रेशर भी बाहर ले लिया अपन ने प्रेशर इतना, ठीक है ठीक है ओके। तो ये जो इक्वेशन आई है ये मुझे क्या कर रही है, ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, अब देखो अगर मुझे z इक्वल्स टू 1 चाहिए इट मींस मुझे ये वाली जो वैल्यू है ये 0 चाहिए होगी फॉर आइडियल गैस, ठीक है ये 0 कब होगी व्हेन b प्लस a बाय rt इज इक्वल्स टू 0, भाई ब्रैकेट वाली चीज को 0 कर दो ये तो हो नहीं सकता, प्रेशर टेम्परेचर ये सब तो 0 नहीं होगा तो यही 0 हो सकता है, ठीक है ये 0 कब होगा व्हिच इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू माइनस a बाय rt, ये भी माइनस होना चाहिए ना, सॉरी यहां माइनस आएगा यहां से ये माइनस है इधर प्लस ये प्लस है माइनस माइनस, ठीक है। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू किस टेम्परेचर पे होगा ए बाय आर बी, और ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जेड इक्वल टू वन हो जाए वो क्या था बॉयल्स टेम्परेचर, तो ये क्या है बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है ओके। अब एक और चीज अपन बता सकते हैं, इस अगर इक्वेशन की मैं बात करूं एट प्रेशर लो, ठीक है प्रेशर बहुत लो है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं वॉल्यूम बहुत हाई होगा, वॉल्यूम बहुत हाई होगा तो अपन बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है अगर अपन ने बी को नेगलेक्ट किया है तो पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी विच इज इक्वल्स टू आर टी, ठीक है अब आर टी को लियो तो पी वी इज इक्वल्स टू ए बाय वी इज इक्वल्स टू आर टी, पी वी बाय आर टी जेड प्लस ए वी आर टी विच इज इक्वल टू वन, ठीक है विच इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए बाय वी आर टी, ठीक है ठीक है मतलब जेड में से कुछ चीज कम करनी पड़ेगी तब मेरा ये आएगा जेड, मतलब सॉरी वन में से कुछ कम हो रहा है तब जाके मेरा जेड है, तब जब प्रेशर बहुत लो है। ये अपन कौन से कर्व की बात कर रहे हैं, ये अपना जेड इज इक्वल टू वन आ रहा है इधर इस वाले की, जब प्रेशर बहुत कम है तो अपना z इज इक्वल टू लेस देन वन, वन में से कुछ माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं a वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं, a मींस व्हाट अट्रैक्शन टर्म, ठीक है जब प्रेशर लो है मतलब इसकी, जब प्रेशर हाई है तब एट हाई प्रेशर क्या कर सकते हैं अपन इस वाले टर्म को नेगलेक्ट करेंगे तो p b माइनस b विच इज इक्वल टू आर टी, ठीक है मल्टीप्लाई करो पी बी बाय आर टी, आर टी को तो लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जेड माइनस पी बी बाय आर टी विच इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी बी बाय आर टी, ठीक है वन में कुछ प्लस हो रहा है एट हाई प्रेशर, तो ये इस वाले की बात कर रहे हैं और क्या हो रहा है बी वाली टर्म, बी क्या था रिपल्सिव फैक्टर, ठीक है तो विच इज जेड इज ग्रेटर देन वन, ये मैंने बता दिया रिपल्सिव फैक्टर अट्रैक्शन फैक्टर, ओके बॉयल्स हो गया। अगर अपन बात कर रहे थे नॉन आइडियल की जो अपन एंड्रयूज थर्म की बात कर रहे थे, ठीक है अपन क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर रेट सब निकाल रहे थे वो बात कर रहे थे, ठीक है ओके। तो अपन ने यहाँ पे जो कर्व बनाया था जो मैंने कहा था कि ऐसा होता है देन ये चीज कम फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है देन अपना टी सी, यह क्या है टी सी प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है बट एक्चुअल में ये ऐसा होता है फॉर नॉन आइडियल गैसेस, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मेरी तीन वॉल्यूम्स आ रही थी, ओके इस टेम्परेचर पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या है पीसी एंड बीसी, इतना अपने एंड्रयूज आइंस्टीन से समझा था। अब देखो अपनी नॉन आइडियल इक्वेशन क्या थी, वन मोल ऑफ गैस, ठीक है वी माइनस बी ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी, ठीक है पी वी माइनस पी बी ए बाय बी माइनस ए बी बाय वी स्क्वायर आर टी, ठीक है ओके। नाउ इसको अब मुझे वी स्क्वायर वाली टर्म हटानी है
तो मैंने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया वी स्क्वायर से, ठीक है। एंड मुझे यहाँ से प्रेशर हटाना है, इससे मैंने कर दिया इस पूरे को मल्टीप्लाई, दोनों तरफ किए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये अपना बन गया वी क्यूब बी बाय बी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए वी, एंड प्रेशर से डिवाइड तो कर रहे हो, प्रेशर प्रेशर विच इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर बाय पी, इधर ठीक है, प्रेशर प्रेशर कट गया। एंड दिस रीअरेंज कर लेते, बीस बार बीस को साथ लिख लेते हैं, क्यों आर टी बाय वी, बीस बार को मैं कॉमन लूंगी वैसे भी, वी स्क्वायर प्लस ए बाय बी वी माइनस ए बी बाय बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्या है, मोलर वॉल्यूम्स यहाँ पे जब भी है तो ये मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है। बट अगर अपन यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन वैल्यूज आ रही थी मेरी वॉल्यूम की इस नॉन आइडियल इक्वेशन के लिए, और उसी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम पे क्या है, V मोलर माइनस V क्रिटिकल क्यूब इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों मिलकर एक ही वॉल्यूम दे रहे हैं, ठीक है। तो वी एम माइनस वी सी एट क्रिटिकल टेम्परेचर इट शुड बी जीरो, इसको ओपन करते हैं, माइनस थ्री वी एम, थ्री वी एम वी सी स्क्वायर वी एम प्लस वी सी क्यूब इज इक्वल जीरो, ठीक है। इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, अब इसको और इसको इक्वेट करते हैं अपन, ठीक है, वी एम से वी एम, ठीक है। अब वी एम स्क्वायर इसकी जो है थ्री वी सी विच इज इक्वल टू आर टी बाय पी प्लस पी है ना, और अपना है ए बाय पी विच इज इक्वल टू थ्री वी सी स्क्वायर है ना, और अपना एक और है ए बी बाय पी इज इक्वल टू वी सी क्यूब, वही चीज है, ठीक है। अब यहां से अपन क्या कर रहे हैं, अपन को ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, वी सी स्क्वायर को देखते हैं। अब हाँ एक और चीज, ये अपन किस पे इक्वेट कर रहे थे, एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे अपन ने ये वाली चीज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जो ये है वॉल्यूम है ये सब क्या कर जाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर टी सी पी सी ये ऐसे इक्वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बाय थ्री पी सी है ना, ये वाली चीज को यहाँ पे रखते हैं अपन, तो ए बी बाय पी सी यहाँ चीज को लिखा है यहाँ पर वी सी इंटू वी सी स्क्वायर की टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं ए अपॉन थ्री पी सी एंड ओके ए से ए कट जाएगा, तो थ्री बी इज इक्वल टू वी सी, ठीक है। अब इस वाले को अपन यहां पर रख ले देख लेते हैं, ठीक है। बीसी क्या है, थ्री बी, तो ए अपॉन पी सी थ्री बी सी स्क्वायर की जगह मतलब थ्री बी का होल स्क्वायर है ना, तो पी सी कितना आएगा, ए अपॉन ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी सी, यहां से ही आ गया, क्योंकि अपन ने अब ये वैल्यू कहां पर रखी है, इसके अंदर, ठीक है। अब जब ये दोनों वैल्यूज अपन कहां रखेंगे, इस वाले में PC और BC की, तो अपना TC कितना आएगा, 8A अपॉन 27 RB, ठीक है। और Z क्या होता है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर Z कितना होगा, PV बाय RTC, ठीक है। PC, BC और TC तीनों की जब आप वैल्यू रखोगे इन टर्म्स ऑफ A एंड B, तो Z कितना आएगा, इसमें रख के बता देती हूँ, ड्रॉप कर देते पहले है ना, फिर बात करते हैं। एक और चीज, अब
अपन ने एंड्रोस देखा नॉन आइडियल के लिए, अपन ने जैसे बॉल्स का होता है ना, ये तो क्या आइडियल, ये क्या नॉन आइडियल। प्रेशर जब बहुत कम होगा, देखो ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर की जब मैं बात करूंगी ऐसे, उस पर इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, समझ पा रहे? अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर की बात करूं तो उस पर ये है मेरी आइडियल, ये है मेरी नॉन आइडियल, ठीक है ओके। इससे बाकी एक सेकेंड, आइडियली जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा देन नॉन आइडियल, मतलब रियल गैसेस, देखो ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। ये कौन सा है? लो प्रेशर। अगर अपन प्रेशर लो करेंगे तो रियल गैसेस का वॉल्यूम कम होगा, ऑब्वियसली बात है, अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम होगा। सिमिलरली एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अपन हाई प्रेशर बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रियल विल बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। हाई प्रेशर पे रिपल्सिव फैक्टर लगेगा, सीधी बात है। तो ये अपने नॉन आइडियल कर्व्स है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये रियल वाले का है, रियल। अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बात करूं, वो ऐसा कर्व फॉलो नहीं करते, ये अपना अपना आइडियल है पी और वी, ये है अपना रियल, ठीक है। कोई सा भी प्रेशर ले लो, वॉल्यूम ऑफ द रियल, वॉल्यूम ऑफ रियल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ये अपनी किसकी बात चल रही है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस की। ये बाकी अपने रेस्ट वंडर वॉल गैसेस की बात चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं, हमेशा रिपल्सिव फैक्टर लगता है, रिपल्सिव फैक्टर में तो वॉल्यूम हमेशा ज्यादा आएगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जेड इसकी, ठीक है, मैं रब कर देती हूँ। Z is equals to PV by RT, PC, C by R, PC. P क्या होता है? A by 27 B square. अभी मैंने वैल्यू देखी थी 3B divided by R, अपना गैस कॉन्स्टेंट है। TC क्या होता है? 8 A by 27 RB, which is equals to, अब देखो A से A कट जाएगा, एक बी से बी कट गया, इस वाले बी से वाले बी कट जाएगा, 27 आर आर विच इज इक्वल्स टू 3/8 विच इज 0.375, ठीक है, ये वैल्यू होती है सेट की। तो ये तो अपना है क्रिटिकल वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अपना जेड कितना है, कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है। अब एक और चीज़ आती है अपने, जो अपन बात करते हैं कि अब यहाँ पे अपने वंडर वॉल के साथ क्या हो रहा था, ए और बी जैसे से वेरी कर रहे थे। अब ए और बी हर गैस के लिए अलग होगा, सीधी सी बात है, कोई वॉल्यूम जैसे अपने एसओ टू है, एसओ टू का अगर रेडियस बड़ा है तो उसका बी वैल्यू ज्यादा होगा, एनएच थ्री इसका ए वैल्यू ज्यादा है, तो ये ए और बी तो हर चीज के लिए अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक और रिड्यूस्ड इक्वेशन आई थी, वो कैसी आती है अपनी, एक सेकेंड, ओके, तो इक्वेशन क्या है अपनी, प्रेशर के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है थी प्रेशर किया। अब अपन ने हर जगह पे क्या किया, प्रेशर को कर दिया P by PC, टेम्परेचर कर दिया T by TC एंड वॉल्यूम कर दिया V by PC, which is equals to pi tau, tau भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, एंड वॉल्यूम इज phi, ठीक है। अपने A B और A B की जो वैल्यू आई थी, A और B इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम, वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी सी बाय 3, ठीक है, एंड आर इज इक्वल्स टू 8 पी सी वी सी बाय
3D से, ठीक है। जब अपन ये चीजें यहाँ पे पुट करेंगे लाइक वॉल्यूम और इन सबको चेंज करेंगे तो अपने पास एक क्वेश्चन आएगी, पाई इज इक्वल्स टू 8θ 3π - 1 - 3π² है ना। और इसी को जब अपन रीअरेंज करेंगे तो अपने क्या इक्वेशन आएगी, पाई प्लस 3π² 3π - 1 विच इज इक्वल टू 8θ, ठीक है। तो ये अपने क्या है, रिड्यूस्ड इक्वेशन। इसका यूटिलिटी क्या है कि किसी भी टाउ पे ये अपन ने जेड एंड पी का जो बनाया था, पहले अपने क्या करते हर गैस के लिए अलग अलग चीजें आ रही थी, किसी के लिए ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, किसी के लिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये हर गैस के लिए अलग अलग आ रहा था, अलग अलग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अलग अलग आ रहा था। यहाँ पे क्या है, अगर अपन जेड एंड रिड्यूस प्रेशर का बनाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिड्यूस इस पे, एक पर्टिकुलर टाउ पे रिड्यूस टेम्परेचर पर, तो हर गैस का अब यही कब है, यही है। अगर अपन टाउ चेंज करेंगे, ये क्या है टाउ वन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यही आएगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर गैसेस का अलग अलग आ रहा था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब रिड्यूस टेम्परेचर पे और रिड्यूस प्रेशर पे अपने ग्राफ बनाया है, तो अपने हर गैस का ये अपने सारे गैसे इनका यही आएगा, ठीक है। ये अपने टाउ चेंज किया, टाउ टू टाउ थ्री, तो रिड्यूस इक्वेशन का ये यूटिलिटी कि अपने हर गैस का एक आएगा। ए और बी क्या कर रहे थे, हर गैस के लिए वेरी कर रहे थे, बट रिड्यूस प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या वेरी नहीं करेंगे, हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर ग्राफ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप कि कुछ समझ में आएगा।